आपको पता है यूथ पाकिस्तान में तकरीबन 65% है। इस 65% में से 65% में से तकरीबन 60% यानी 7%, 60% आपके देहात में है, बाकी 40% यानी 40% शहर में है। ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारे मुल्क का सरमाया है। इनकी एज 16 साल से लेकर 26 साल तक, आपने इनको सिरात मुस्तकीम सोच सोचने से पहले सुनना, पढ़ना, फिर सोचना, फिर तजिया करना, फिर एक्शन करना, फिर डिलीवरी करना, ये नेचुरल लॉज हैं। ये नेचुरल लॉज को हमने सरपास कर दिया है, बाईपास कर दिया। ये आप नेचुरल लॉज चले हैं, ये सिर्फ 5 उंगलियां हैं, लिसन और रीड, इकरा, थिंक, अंडरस्टैंड, देन एनालाइज, देन एग्जीक्यूट, देन डिलीवर एंड देन रिपीट द प्रोसेस। ये 5 नेचुरल लॉज हैं जो अल्लाह ताला ने हम इंसान को दिया है। बड़े बड़े ममालिक के जो रिसर्चर्स हैं, दे फॉलो दिस एंड वी आर नॉट फॉलोइंग दिस एनीवेयर। ये हम लोग को करना है, चाहे वो काश्तकारी हो, चाहे वो ये पॉडकास्ट बना रहे हैं आप, कोई भी चीज़ करें। आप घर में ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, भूल जाते हैं, बाहर जाके शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। यू टर्न है तो यू टर्न छोड़ के वन वे में चले जा रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल आया, सर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के क्रॉस कर दिया। ओ भाई, जब तक आप हर चीज़ का कानून तो नहीं बन सकता ना, एक मोरल लॉज भी है जो आपके मोरल कंपास को हिट करता है। मोरल कंपास को आप फॉलो करें, आप चीज़ें कामयाब होंगी और अल्लाह की राह में आप निकलते हैं। आप नियत करके निकला करेंगे, या अल्लाह मुझे कामयाब करे इस चीज़ में, तू मेरा पार्टनर है। जिस तरह जावेद चौधरी ने कहा, ये बात हर शख्स करता है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, ये भगवद गीता में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, तोरा में लिखा हुआ है, क्रिश्चियन बाइबल्स में लिखे हुए हैं। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि गैरी कूपर आपको ये बात बताए? वो बताएगा, वो पैसे भी लेगा। बाकी जो एंशियंट बुक्स हैं, दे नॉट फॉर सेल, दीज आइडियाज़ आर प्राइसलेस। आपको दे दिया है, अब यही आइडिया गैरी कूपर या बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग से सुनना चाहते हैं। ये साइन ऑफ सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इस्टीम आ गया हमारा, कि शलवार कमीज़ पहने हुए हैं तो आप अजीब कपड़ा पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हैं तो यू आर लुकिंग कूल मैन। ये क्या सोसाइटी हमने डेवलप कर लिया? वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स ऑन दिस। जो हमारी हमारे असासे हैं वो स्टैंडर्ड हो गए। हमारा असासा था वैल्यू सिस्टम, सच बोलना, सच सोचना, पैसे कमाना, पैसे बनाना नहीं। आपको पता है पैसे बनाने का वर्ड कब आया? जब इंटरनेट आया, जब बिजनेस कम्युनिटी और मीडिया कम्युनिटी और एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी को पता चला कि इतना मैसिव मीडियम आ गया है सिविल डोमेन, उन्होंने कहा हाउ डू वी मोनेटाइज इट टू दे। अंटिल देन पैसे कमाना वॉज दी लेवल ऑफ थिंकिंग, कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद नौकरी करूँगा या और पैसे कमाऊँगा। जब इंटरनेट आ गया तो ये वर्ड आ गया, इंस्टेड ऑफ अर्न मनी, अर्न मनी वॉज ए वर्ड विच वॉज कॉन्स्टेंटली यूज बाई डेल कार्नी, इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर मोटिवेशनल स्पीकर। डेल कार्नी की सीरीज ऑफ बुक्स हैं, मैंने वो पढ़ी हुई हैं किताबें, और भी लोगों ने पढ़ी हुई हमारे दौर में। अब वो इस स्कूल ऑफ थाट से जब हम अमेरिका गए, वहाँ जाके हमने 91-93 में, मुझे खुद नहीं पता था इंटरनेट क्या चीज़ है। मैं समझता था अमेरिका ऑनलाइन ही इंटरनेट है, सारा वक्त चैट कर रहे होते थे, मस्ती कर रहे होते थे। फिर एक साहब ने समझाया इंटरनेट क्या है, तो मैंने देश प्रदेश का वेबसाइट रजिस्टर कर दिया डोन में, फिर भी समझ में नहीं आया क्या करें। उस दौरान 93-94 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, इश्तिहार आने शुरू हो गए अमेरिका में, हाउ टू मेक मनी। मैंने कहा यार ये वर्ड क्या है, हाउ टू मेक मनी यानी पैसे बनाना, इस पे तो हमें घर से निकाल दिया जाता था। इस जुमले पे 10 बजे रात के बाद आओ तो गेट बंद होता था, चालान लगा के आते थे। हाँ, अब आ गया है पैसे बनाना है, और जल्दी क्यों आ गए हैं, कोई लड़ाई तो नहीं हो गई है? वही खातून जो 1980s में कहा करती थी कि तुम 10 बजे से पहले घर आ जाना, अच्छा
वही खातून, एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, 2017 में मैं मिला हूँ और उस खातून को अपने हस्बैंड को कहते हुए देखा हूँ कि आज आपका बेटा जल्दी आ गया है और सीधे रूम में चला गया है और जाके लेट गया है, अल्लाह खैर करे, खैरियत तो है, ज़रा उससे बात तो कीजिए। और मेरे दोस्त ने मुझे कहा, इरशाद ये देख रहे हो क्या वक्त आ गया है, हम लोगों के दौर में 10 बजे आओ, नहीं आओ तो पिटाई होती थी, अब 10 बजे के बाद बेटा आ रहा है तो हम सब परेशान हैं। ये इसको कहते हैं काया पलट देना, अपेंडेड, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। हमें इस बात का एहसास नहीं है, हम रेटिंग के पीछे जा रहे हैं, पैसे कमाने बनाने के पीछे जा रहे हैं कमाने के बजाय, टैक्स नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स है तो हमें टैक्स देने की ज़रूरत है। इसमें गोरे कहते हैं ये जुमला, टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट। अब ये गोरे ने जो वर्ड यूज़ किया है, टू रॉन्ग्स मेट डोंट मेक वन राइट, ये आज की बात तो नहीं है, ये तो हज़ारों साल से है। लेकिन इतना लो एस्टीम हमारा हो गया कि अगर हम कहेंगे ये बात तो हदीस में है, कुरान शरीफ में, तो कहेंगे आप मजहबी हो गए क्या, आप अमेरिका से आए हैं और आप मजहबी हो गए। फॉर गॉड सेक, इंसान, अच्छा इंसान अमेरिका में भी रहता है, इंडिया में भी होगा, सऊदी अरेबिया में भी होगा, यूएई में भी होगा, ईरान में भी होगा, अफगानिस्तान में भी हो गया। व्हाई डू यू वांट टू ब्रैकेट हिम इनटू अ सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच यू हैव फॉरगॉटन अबाउट। ये प्रिंसिपल्स तो आपके थे और ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ ए सिविलाइज सोसाइटी हर किताब में मौजूद है, हर सोसाइटी में मौजूद है, हम खोके बैठ गए। वी नीड टू रीगेन एंड ओन दीज थिंग्स बैक एंड कॉल देम ऑल पाकिस्तानियत। कोई पैसा खर्च नहीं होता इस वर्ड पर। आप अमेरिका चले जाएं, जितनी अच्छाइयाँ हैं कहेंगे दिस इज़ द अमेरिकन वे, व्हाट नॉनसेंस, दिस इज़ अ सिविलाइज्ड वे। क्या मतलब है सिविलाइज्ड, आप हैं, हम भी सिविलाइज्ड हैं, हम भूल गए, विल कम बैक, विल मेक ए सॉफ्ट यू टर्न, नॉट द यू टर्न दैट एवरीबडी थिंक्स अबाउट। तो ये सारे पाकिस्तानी तरीके, ये 60s 70s में ये पाकिस्तानियत था, सारी अच्छाइयाँ हमें थी, हम उसको शो करते थे, बाहर से लोग आते थे। ये जनरल बाजवा साहब जो हैं आर्मी चीफ, उन्होंने यही बात की है, बड़ी ज़बरदस्त की बात की है। ये तो अदीब और मुफक्करों को ये बात करनी चाहिए, एक आर्मी चीफ को ये कहना पड़ा। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो आ जाता है कि द वाटर फाइंड्स इस लेवल, आप नहीं कहेंगे तो मैं तो कहूँगा ना। पड़ोस में बाहर आप चले जाए, घर के बाहर मैयत हो जाए, अब जगह ढूंढते हैं उसको दफन करने के लिए, गार्बेज क्या चीज़ है, वो भी तो मैयत है, उसके लिए जगह क्यों नहीं ढूंढते आप, ऐसे उठा के फेंक देते हैं। लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं इस वक्त, इसकी बात कर रहे हो भाई, गार्बेज आपके हर शहर में प्रॉब्लम है। ये है, इसको कहते हैं मूविंग फ्लोटिंग मैयत, फाइंड ए ग्रेवयार्ड फॉर इट। इफ़ यू कैनॉट फाइंड ए ग्रेवयार्ड, बिल्ड अ टावर ऑफ साइलेंस फॉर इट, पारसियों की तरह। इफ यू कैनॉट फाइंड अ टावर ऑफ साइलेंस, क्रिएट अ क्रिमेशन ग्राउंड लाइक द हिंदूज एंड द क्रिश्चियंस। थॉट प्रोसेस द सेम है, एंड मोनेटाइज इट, रिसाइकल थ्योरी लेके आए। बात यह, हम लोग मफलूज हो गए हैं सोचने में, हम डिपेंड करते हैं कि यह हमें UN दे कर देगा पैसा और सोच दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा पैसा और सोच भी दे देगा, एशियन डेवलपमेंट पैसा भी दे देगा और सोच दे देगा, तो हम करेंगे, हमें जबाल की सोचने की ज़रूरत। अब आप कमाल देखें, सबके पास सेलफोन है, उस सेलफोन में अलार्म है, घड़ी है, उसके बावजूद 50% से ज़्यादा कराची में मैं घुमाऊँ, तारिक रोड और डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन में, सब घड़ी पहने हुए, कोई रोलेक्स, कोई सिटीजन, कोई ये, कोई वो, और शो ऑफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, एक को मैंने बोला, इंक्लूडिंग मेरे भांजे, मैंने कहा भाई तू अब घड़ी क्यों पहना हुआ, कह रहे ऐसे ही, मैंने क्या मतलब ऐसे ही, कितना शौक है, मैंने किस बात का शौक है, सेलफोन तुम i7 कर रहे हो, नौकरी तुम्हारी इतनी अमाउंट की है, ये आईफोन तुम्हारी 1.5 लाख की है, और घड़ी जो है कहता 3 लाख की है,
Now add up 3 lakh, 1.5 lakh, 4 lakh, and the guy's job salary is so much. ये गैप जो है वो कहाँ से फिल कर रहा है वो? और ये वही शख्स है जो यू टर्न के बजाय वन वे तोड़ के कहता मामू आप फिक्र ना करें, मामू आप फिक्र ना करें। इसको कौन समझाएगा क्या करेगा? ये टीवी टॉक शो से ठीक होने वाले नहीं है, इसके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ये माओ का काम है। हमें माओ तक पहुंचना पड़ेगा इस बात के लिए। और आपके पास फोर्स है, सोशल वेलफेयर फोर्स है पंजाब में, सिंध में, जो औरतें हर घर में जाती हैं गोरों के पैसे के और कैंपेन के बेसिस में कॉन्ट्रासेप्टिव की जब की बात करते हैं, पोलियो की बात करते हैं, एक्स वाई की, एवरीथिंग इज़ गुड फाइन, लेकिन प्रायोरिटीज़ भी तो सेट करें ना कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव तो उसने यूज़ कर लिया लेकिन हो गया तो उस बच्चे को तमीज़ और तहजीब कौन सिखाएगा? सोचना कौन सिखाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग कौन देगा? क्रिटिकल थिंकिंग के 5 सवाल आप लोग को मैंने दिया है। व्हाट वाज द लेवल ऑफ फेलियर? 70-80% आई थिंक आउट ऑफ 5 ऑफ यू एक बंदे ने मुझे सही जवाब दिया था। ये मेरी बेटी ने मुझे इस चीज़ें सिखाई हैं। शी वॉज ओनली इन क्लास 2, ग्रेड 2, शी वॉज माई बेस्ट टीचर, अभी भी शी इज़ माई बेस्ट टीचर। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग गुड थिंग्स फ्रॉम इवन किड्स। हम यहाँ डांट देते हैं टीचरों बच्चों को, चुप करो पढ़ो वाली बातें नहीं करो, ओ फॉर गॉड से सेलफोन छीन लेते हैं उनके हाथ से। लेट हर फील एक्सपीरियंस कि नहीं तोड़ देगी, कारपेट रखा हुआ है तोड़ देगी कैसे? इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आपके साथ प्रॉब्लम है या बच्चे के साथ प्रॉब्लम है? कारपेट होते हुए सेलफोन कैसे टूटेगा कि नहीं टूट जाएगा? हमें माशरे को घर बर घर फैमिली ऑनवर्ड्स ये ठीक करना होगा। ना तो इसका जिहाद से ताल्लुक़ है, ना इसका जमहूरियत से ताल्लुक़ है, ना इसका इलेक्शन से ताल्लुक़ है, ना इसका हुकूमत से ताल्लुक़ है, ना इसका रियासत से ताल्लुक़ है। सब कुछ ख़त्म हो जाए, एक झोपड़ी रहेगी और एक फैमिली रहेगी, तो माँ ही तो प्राइम मिनिस्टर होती है, आर्मी चीफ होगी, प्रेसिडेंट होगी, हम लोग सब क्या होंगे? सोसाइटी होंगे, बाशिंदे होंगे। तो एवरीथिंग मस्ट बिगिन फ्रॉम द फैमिली, घर से ये चीज़ आपको शुरू करनी है। थैंक यू।